संयुक्त मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में हड़ताल का आयोजन किया गया, सामूहिक अवकाश लिया गया, हड़ताल का आयोजन किया गया। ऐसे हालात में दमोह के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने संयुक्त मोर्चा पंचायत कर्मी जो हड़ताल पर बैठे हुए, उनके समर्थन में लोग यहां पर बैठे और सभी के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के को लेकर के हड़ताल की गई। बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने नजर आए और उन्होंने अपनी मांगों की आवाज़ बुलंद की। अनेक पदाधिकारियों ने कहा कि वे संयुक्त मोर्चा के साथ हैं और अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने रख रहे हैं। उनकी मांगें यदि पूरी नहीं होती तो निश्चित ही और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे। सभी संगठन एकजुट हो गए हैं और आज ऐसा लग रहा है जैसा पूरा दमोह जिला ही हड़ताल पर उतारू हो गया है। आज देखने में लग रहा है कि एक एक कर्मचारी ताला डालकर अपने कार्यालयों में यहाँ पर हड़ताल के लिए बैठा हुआ है। साथियों, जब जब भी सरकार हम लोगों के ऊपर जुर्म करेगी, किसी को घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी साथी संगठित हो चुके हैं और सरकार को बता देंगे कि हम कहीं से कमजोर नहीं है। कोई भी कार्रवाई की तलवार हम लोगों के ऊपर चल नहीं सकती अब। और सभी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमें लगातार डटी रहना है, संघर्ष करते रहना है। संघर्ष जब तक हम नहीं करेंगे, सफलता हमें हाथ नहीं लगेगी। इसलिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपनी जायज मांगे। हमारे पंचायत गाँव विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा का 22 तारीख से हमने आंदोलन शुरू किया था और आज हमारे लगातार आंदोलन का 8वां दिन है। और ये मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के 313 जनपदों में ऐसे ही पंडाल आपको मिलेंगे, जिसमें हमारे जनपद जिले और पूरे पंचायत सचिव, जितने भी अधिकारी कर्मचारी, संविदा स्टाफ, GRS सभी संगठन में साथी हैं। इस संगठन में हमारे 17 जो इस विभाग के संगठन थे, सबको मिला के एक संयुक्त मोर्चा गठन किया गया है। इन सबकी अलग अलग मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग जो है, जैसे कि संविदा साथियों का नियमितीकरण है, हमारे जो सचिव साथी हैं उनका 6वें-7वें वेतनमान की जो विसंगति है, हमारे जनपद जिला के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी वेतन विसंगति और प्रमोशन की मांग है। दूसरी चीज़, हमारे जो GRS साथी हैं उनकी सैलरी बहुत ही कम है, तो वेतन बढ़ाने संबंधी और नियमितीकरण के संबंध में मांगे हैं। और साथ ही साथ सचिव के जो अपने अनुकंपा नियुक्ति की लगभग 600 केस अभी मध्य प्रदेश शासन के पास पेंडिंग है, उनके निराकरण की मांग की है। किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं आप? अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की जो मांग है कि हम लोगों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए, पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ जाए, इस मांग को लेकर आज प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। और हमारी मुख्यमंत्री से ही मांग है कि यदि आज एक दिवसीय हड़ताल के माध्यम से आपने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया, आने वाले समय मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की एकजुटता से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। इसमें जो भी व्यवधान उत्पन्न होगा, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार होंगे। क्या और आपकी मांगे क्या थी? हमारी विभिन्न मांगे हैं, जैसे हम लोगों को अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए, पेंशन दी जाए, लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का वेतन विसंगति सुधारी जाए, हमारे पंचायत के कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण नहीं किया जा रहा, उनको नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए। इन सभी मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने पूरे प्रदेश में एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल का आरंभ किया है और आने वाले समय में यह हड़ताल जारी रहेगी। आज मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी का जो आर्थिक शोषण, प्रताड़ना, भय और बदनाम करने की नीति के विरुद्ध हमारा संघर्ष आज शिखर पर है। हम माननीय मुखिया जी से यही अनुरोध करते हैं कि मुखिया जी हमारे आग्रह को स्वीकार करें, अन्यथा आने वाले समय में अनिश्चितकाल की स्थिति बनेगी। इसके लिए संपूर्ण प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी आंदोलन पर जाएंगे तो यह बहुत ही दुखद स्थिति, ऐसी स्थिति आप न बनने दें तो ज्यादा बेहतर।